सो घर पे बैठे हो, करना है कुछ काम, लेके प्रभु का नाम। ये तो सही है कि बोर बहुत ज्यादा हो रहे होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि ज्यादातर लोग जो लोग हैं अपने चैनल पे वो जॉब करते हैं, या तो वो स्टूडेंट हैं और उनका क्लास बंद है, उनका कोचिंग बंद है, सब कुछ बंद है। सो गाइज, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वो टॉप साइट्स जहां से आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, चाहे आप एक जॉब पर्सन हो, कहीं एम्प्लॉय हो, या आप कोई स्टूडेंट हो, राइट। आप एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो जो आप घर से या कहीं पर भी बैठ के ऑन योर लैपटॉप। हाँ, थोड़ा सा जरूरत पड़ेगी लैपटॉप की, बिकॉज ये कुछ इसी प्रकार के काम है। तो आज तीन ऐसे काम आपको बताऊंगा जो आप कहीं पर भी बैठे बैठे कर सकते हो और बिजनेस में, बहुत बड़े बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस करना, और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट नहीं किया है तो मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करो और कनेक्ट रहो, बिकॉज वहां मैं बहुत सारी चीजें डाल रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ ये वो कैसे डिजिटल मार्केटिंग में होता है, राइट। तो वहां पर आप मुझसे कनेक्ट रहो और इस वीडियो का तो लाइक, बिकॉज आपका एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। लेट्स गो। लास्ट में या बीच में मैं बहुत बड़ी कोई सीक्रेट चीज आपको बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, जो सबसे पहली साइट है वो ये है यू टेस्ट, राइट। यू टेस्टिंग मतलब कि टेस्टिंग साइट। अब इसमें होता ये है गाइस कि ऐसे बहुत सारे साइट है, राइट। मैं एक उदाहरण के लिए आपको बता दे रहा हूँ, और आप गूगल करोगे, यूट्यूब करोगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बताए हैं, ये अलग अलग वीडियोज बनाए हैं कि ऐसी साइट्स एग्जिस्ट करती हैं जहां से आप अर्निंग कर सकते हो बस एप्स को टेस्ट करके। अब क्या होता है कि लोग, जो कंपनीज हैं वो चाहती हैं कि लोग ऐप यूज करें और उनको बताएं कि ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसके डाउनलोड स्पीड क्या है, ये अच्छा वर्किंग है, क्या रिलायबल है, क्या आप अच्छे से इससे सेटिस्फाइड हो। तो ये सारी चीजें अगर आप टेस्ट करोगे तो आप यहाँ पर 20 से $50 तक पर टेस्टिंग अर्न कर सकते हो। देखो, ये जितने लोग हैं ये सब टेस्ट करते हैं अलग अलग चीज, यहाँ पर आपको साइन अप करना पड़ेगा और उसके बाद आपको ये अलग अलग ऐप देंगे, जस्ट आपको उसको टेस्ट करना है और इनको वापस करना है। टेस्ट करने के बाद आपको कुछ पैसे दिए जाएंगे, हो सकता है वो $20 से स्टार्ट हो और $10, $30, $40, $50 और $100, $200 तक भी जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी है और कौन सा ऐप है। तो गाइस, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप टेस्ट करके अलग अलग प्रोडक्ट को, सिर्फ टेस्ट करके, कुछ भी आपको नहीं करना है, यहाँ पर आके साइन अप करना है, प्रोडक्ट को टेस्ट करना है, कंपनी को सही से रिव्यू देना है, कंपनी को रिव्यू अच्छा लगा तो वो आपको पैसे पे करेगी, राइट। इसके लिए कुछ छोटे छोटे टेस्ट होते हैं जो आपको यहाँ पर साइन अप करके देना पड़ेगा, और बिलीव मी ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जहां से डेली के लोग हजारों डॉलर छाप रहे हैं। हाँ, इंडिया के नहीं है, वो बाहर के हैं, बट वो हजारों डॉलर डेली की ऐसी ही साइट से सिर्फ कुछ टेस्ट करके छाप रहे हैं। तो गाइज, आप भी कर सकते हो, ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं, मैंने आपको एक बताया है यू टेस्ट, क्योंकि यू टेस्ट काफी अच्छा है, रिलायबल है, आप देख भी सकते हो। दो दो घंटे पहले लोगों ने यहाँ पर कमेंट किया है, राइट, तीन तीन घंटे पहले, दो दो घंटे पहले, इवन कुछ मिनट्स पहले। तो ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं जिनको आप ढूंढ सकते हो और वहां पर अपना रिव्यू का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो घर बैठे बैठे। नेक्स्ट जो साइट है गाइस, बहुत लोगों को पता होगी, जिसको बोलते हैं fiverr.com, और हो सकता है बहुत लोगों को ना पता हो जो जॉब करते हैं, जो डिजिटल वर्ल्ड में नहीं है। तो fiverr.com तो खजाना है, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी आपके पास टैलेंट है आप यहाँ पर कर सकते हो। इवन देखो, यहाँ पर टैटू डिजाइन का भी नया आ चुका है, तो अगर आपको टैटू डिजाइन करने आता है, किसी के लिए टैटू डिजाइन कर सकते हो, तो वो भी आप यहाँ पर सेल करके अर्निंग कर सकते हो। पॉडकास्ट कवर आर्ट बना सकते हो, एल्बम कवर डिजाइन बना सकते हो, लैंडस्केप डिजाइन बना सकते हो, वेब डिजाइन कर सकते हो, ऐप डिजाइन कर सकते हो, सोशल मीडिया डिजाइन कर सकते हो, गेम्स को जो ग्राफिक्स होते हैं, गेम डिजाइन होता है वो कर सकते हो, राइट। और भी मतलब यहाँ पर इतनी सारी चीजें हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में चल जाओ तो यहाँ पर सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट है, एसईओ है, पब्लिक रिएक्शन है, पॉडकास्ट मार्केटिंग है, कंटेंट मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग है, वीडियो मार्केटिंग है, एसईएम है, वेब ट्रैफिक है, गाइस बहुत सारी चीजें हैं। इवन आप राइटिंग सेक्शन में जा सकते हो अगर आपको लिखने का शौक है, इवन आप वीडियो सेक्शन में जाओ अगर आपको वीडियोस बनाने का शौक है, यहाँ पर आप अपनी छोटी छोटी वीडियोस बना के लोगों के लिए काम करके पर आवर का, मैं बता रहा हूँ पर आवर का, आप हजारों रुपए कमा सकते हो, बिलीव मी। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप आओ fiverr.com पे, यहाँ पर साइन अप करो, फिर उसके बाद लॉग इन करो और चेक करो कि लोग कितना पैसा अर्न कर रहे हैं। उसके बाद अगर आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो आप म्यूजिक का भी यहाँ पर आके कर सकते हो काम, सॉन्ग राइट कर सकते हो लोगों के लिए। बड़े बड़े डायरेक्टर्स यहाँ पर अपना अपना आईडी बना के रखे हैं, वो लोगों को टेस्ट करते रहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो, राइट। प्रोग्राम एंड टेक भी कर सकते हो यहाँ पर, बिजनेस, लाइफ स्टाइल, इंडस्ट्रीज, काफी सारी चीजें, मतलब कि इतनी सारी चीजें हैं।
अगर आपका कोई भी टैलेंट है, छोटा सा छोटा टैलेंट, आप यहाँ पर आपके उसको मोनेटाइज कर सकते हो, उससे पैसे अर्न कर सकते हो। तीसरी जो साइट है गाइज वो है udemy.com, और ये मैं इसलिए यहाँ पर ऐड किया हूँ बिकॉज गाइज मैं चाहता हूँ कि आप अगर अभी फ्री हो तो udemy.com में जाओ। यहाँ पर आपको 400, 400, 700, 800, 900 और 1000 रुपए में आप अच्छा खासा कोर्स लेके सीख सकते हो कुछ भी, राइट। टैक्स से रिलेटेड तो बहुत अच्छा है, टैक्स से रिलेटेड आप हर कुछ यहाँ पर सीख सकते हो। और प्लस अगर आपको कुछ आता है, मतलब आप पहले से जानते हो कि मुझे ये मार्केटिंग के बारे में पता है, मुझे फोटोग्राफी के बारे में पता है, मुझे डिजाइन्स के बारे में पता है, मुझे डेवलपमेंट के बारे में पता है, मुझे पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में पता है, तो आप अपने कोर्स लाके यहाँ पर रजिस्टर कर दो और उसी कोर्स को आप बेचो यहाँ पर, जहां से आप इजी इजी मैं बताऊँ, अगर आप 500 रुपए में भी अपना एक कोर्स बेचते हो तो 10, 20, 30, 40 कोर्स पर डे के कमा सकते हो यहाँ पर सेल करके। बट याद रखना, थोड़ा सा उसमें ट्रिक्स की जरूरत होती है, थोड़ा सा उसमें फोकस और थोड़ा सा रिसर्च की जरूरत होती है, ताकि आपको पता चले कि उडमी पे कोर्स को बेचते कैसे हैं। और प्लस अगर आप सीखना चाहते हो, लॉन्ग टर्म गेम खेलना चाहते हो, तो यहाँ से आप कोर्स लेके सीख भी सकते हो। इवन बहुत सारे ऐसे कोर्स है जो यहाँ पर फ्री मिलते हैं, तो मुझे लगा कि लोग अभी फ्री बैठे हुए हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं, तो उडमी को यहाँ जरूर ऐड करना चाहिए, इसलिए मैंने इस लिस्ट में उडमी को ऐड किया है। अब नॉट इन द लिस्ट बट लास्ट में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। देखो बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म है, जैसे कि आपका लिंक्डइन हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, आपका फेसबुक हो गया, या बोलूं तो आपका टिकटॉक हो गया, राइट। तो ये जो टिकटॉक है, लिंक्डइन है, फेसबुक है या इंस्टाग्राम है, तो अब देखो यहाँ पर भी अगर आप कोई भी चीज में इंटरेस्ट रखते हो, राइट, अगर आप राइटिंग में इंटरेस्ट रखते हो, आप लिखना बहुत अच्छे से जानते हो, आर्टिकल लिखते हो, तो आप क्या करो, आर्टिकल से रिलेटेड कंटेंट डालना स्टार्ट करो, ठीक है। कंटेंट मतलब कि आर्टिकल जो आप लिखते हो, जिस भी नीश पे लिखते हो, बॉलीवुड के बारे में आप लिखना पसंद करते हो, तो बॉलीवुड के बारे में छोटी छोटी चीजें लिख लिख के ये सारे सोशल मीडिया पे डालना स्टार्ट करो। इससे क्या होगा, यहाँ लोग बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, वो आपके कंटेंट को देखेंगे, और अगर उनको जरूरत पड़ेगी आपके कंटेंट को, तो वो आपके कंटेंट को बाय करेंगे, परचेस करेंगे। और मैं एक चीज बता दूं, ये जितने भी बिजनेस में बताऊं, किसी एक पे काम करना, फोकस से काम करना, बिकॉज सब में हाथ डालोगे डूब जाओगे, राइट। तो किसी एक चीज से स्टार्ट करना, फोकसली स्टार्ट करना, और ये जो लास्ट में मैंने बताया ये बहुत लॉन्ग गेम है और बहुत बड़ा गेम है, आप इससे करोड़ों लाखों अरबों रुपए, यस गाइस, जो मैंने लास्ट चीज बोली है अरबों रुपए, आप इसे कमा सकते हो। बिकॉज जब आप यहाँ पर सोशल मीडिया अपने कॉन्टेंट डालते हो, तो आप ब्रांड बनाते हो। ब्रांड मतलब अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, राइट, ये सब क्या है, ब्रांड है। इतना ज्यादा इन पॉपुलर क्यों है, क्योंकि इनके पास बड़ा ब्रांड है, बड़ा नेम है, तो ऐसे ही आप भी अपना नेम बना सकते हो, तब जाके आप इतने पैसे कमाओगे जिसकी कोई हद नहीं है। और बिलीव मी, मैं ये सारी चीजें हवा में नहीं बोल रहा हूं, अगर आप गूगल कर सकते हो तो गूगल करके देखो कि पर्सनल ब्रांड कि पावर क्या होती है। आपने सुना होगा टेस्ला के बारे में, टेस्ला ने कुछ ही समय में अपने पूरे कार्स बेच दिए जो उसने अभी लॉन्च किया था। क्यों? क्योंकि एलॉन मस्क जो है उनका एक पर्सनल ब्रांड है, लोग उनको पर्सनल जानते हैं, राइट। पर्सनल जानते हैं मतलब उनके नाम से उनकी कंपनीज को जाना जाता है, ना कि कंपनीज से उनको जाना जाता है, राइट। तो पर्सनल ब्रांड एक बहुत बड़ा गेम है। अगर आपको लाइफ में बहुत बड़ा कुछ करना है, फोकसली बहुत ज्यादा दूर तक जाना है, तो मैं आपको बोलूंगा जो मैंने लास्ट में बताया, सोशल मीडिया पे कंटेंट डालो, बहुत आगे जाओगे। गाइस टेक अ सीरियस नोट कि यहाँ पर मेहनत करने से ही आपको फायदा मिलेगा, तो मेहनत करना पड़ेगा आपको, अच्छे से फोकस करके काम करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा फ्री हो, घर में विल्ले बैठे हो, तो स्टार्ट करो ना, क्यों ना पैसा अर्न किया जाए, राइट। टाइम का यूज करो, पैसे अर्न करो। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, जय हिंद।